लोडिंग टेम्पो चालक की निर्मम हत्या। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र के सोनियाड़ा गांव के पास गत रात्रि लोडिंग टेम्पो में खून से सनी युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची कांकरोली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरके जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कांकरोली थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद दादी ने इस घटना की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को दी, जिस पर राजसमंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल और डीएसपी बेनी प्रसाद मीणा ने मौका मुआयना कर घटना की जानकारी जुटाई। बेनी प्रसाद मीणा ने बताया कि बिलवाड़ा उदयपुर राजमार्ग पर सोनियाड़ा गांव के रास्ते पर एक युवक का शव लोडिंग टेम्पो में लहूलुहान हालत में होने की सूचना मिली, जिस पर टीम मौके पर पहुंची तो जांच के बाद पता चला कि उस पर चाकू से धारदार हथियार से कई वार करके उसकी निर्मम हत्या की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल से कई सबूत जुटाए हैं। वहीं डॉग स्क्वाड और स्पेशल टीम को भी मौके पर बुलाया है, जिससे कातिल जल्द से उसका पता चल जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी लाश एक टेम्पो में है, पड़ी हुई है गांव सोनियाना रोड पर। तो इस पे डीओ तुरंत वहां से रवाना हुए, मैं ऐसे चौके यहां आके देखा तो मदन सन ऑफ किशन लाल नाम के एक व्यक्ति, उम्र 30 साल, इसकी लाश उसी की टेम्पो में रखी पड़ी हुई थी, जिसको प्रथम दृष्टया देखा तो उसमें चाकू के गुदे हुए निशान थे गर्दन पर, छाती पर, हाथों पर और बहुत सारे निशान थे, जिससे संभवतः उसकी हत्या हुई होगी। इस पर ही तुरंत एक अनुसंधान मतलब रिपोर्ट दर्ज की गई और उसका अनुसंधान शुरू किया गया। आज सुबह इसका पोस्टमार्टम करा दिया गया और लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। अभी अनुसंधान जारी है, इसमें डॉग स्क्वाड भी बुलाया, एफएसएल टीम हमने बुलाई है। नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई शंका जाहिर नहीं करी। हमने रात को पूछा भी था उन सब परिजनों को, किसी ने ऐसे कोई शंका जाहिर नहीं करी। अगर ऐसा कुछ करते तो हम बिल्कुल उनसे पूछताछ करेंगे। किस तरह के घाव हैं सर? घाव बहुत गहरे हैं, ब्रूटल मर्डर है, जिसमें गर्दन पे वार हुए हैं, 7 वार गर्दन पे हुए हैं, बाकी हाथ में है, जांग में है, पेट में है, पीठ में है। नहीं, उसका खुद का ही था, संभवतः वो जहाँ सब्जी मंडी में टेम्पो चलाता है उसको लेकर वापस अपने घर जा रहा था। यहीं पास में ही उसका 500 मीटर पे उसका गांव है, तो वो इस रास्ते पे ही, ये हालांकि रास्ता पूरा चलता रहता है हमेशा, बट उसके बीच में भी कोई घटना हुई तो बिल्कुल हम उसका अभी अनुसंधान कर रहे हैं और जल्दी पता लगाएंगे। जानकारी के अनुसार मृतक मदनलाल रेगर की जहां हत्या की गई उस घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर उसका गांव है। यह सोनियाड़ा गांव का ही रहने वाला है और राजसमंद सब्जी मंडी में लोडिंग टेम्पो चलाता है। काम खत्म करके वह गांव जा रहा था जिस वक्त उसकी हत्या की गई। घटना की सूचना के बाद ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई और हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की।